असलामुअलैकुम जी। मैंने अभी समाज मैंने चैन देख रहे हैं क्रिकेट का जुड़ूंगा योदर पॉइंट एशिया कप सर श्रीलंका वर्सेस इंडिया मैच समरी। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और इंडिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी, तो इंडिया ने पहले खेल दिया, मगर 20 ओवर में 173 रन बनाए, 8 खिलाड़ी आउट हुए। इंडिया के जाने जो रोहित शर्मा ने 72 रन की इनिंग खेली, 41 बॉलों पे। उसके बाद श्रीलंका की जानब से दिलशान MADUSJNKA ने 3 आउट किए, जवाब में श्रीलंका ने 174 रन का टारगेट 95 ओवर में चेस किया। श्रीलंका की जानब से कौशल मेंडिस ने 57 रन बनाए, 37 गेंदों का सामना किया। और इंडिया की जानब से चहल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसमें आप देख रहे हैं कि दसम सनाका जो कि श्रीलंका की कप्तान है, उन्होंने 33 रन बनाए हैं, नॉट आउट रहे हैं 18 गेंदों पे और 183 का स्ट्राइक रेट। ये मैच भी बड़ा दिलचस्प हुआ। एक मौके पे 11 ओवर में 97 पे श्रीलंका का कोई आउट नहीं था और 119 पे 4 आउट हो गए, तो ऐसे लगता था कि ये मैच जो है वो इंडिया जीत जाएगा। लेकिन दसम सनाका और राजा बक्सा की पार्टनरशिप की वजह से श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया और इंडिया जो है वो टूर्नामेंट बाहर हो गया है। लेकिन इंडिया के लिए अगम अगर की कहानी शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।